सुरमा की जो बर्फबारी है इसका छठा स्पेल पिछले 5 दिन से जारी है और आज उसका छठा रोज़ है। कल से जो इस स्पेल था इसमें इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा हो गई और इसमें महकमा मौसमियात के मुताबिक स्नो स्टॉर्म की इसका नाम दिया जाता है कि बर्फानी तूफान कल से स्टार्ट था और जिसका सिलसिला आज शाम को 4 बजे ख़त्म होगा। इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो गलियात की शाहराहें हैं वहाँ पर बर्फ का डिपॉजिट ज़्यादा होने की वजह से कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गलियात में कोई ऐसी कैजुअल्टी का अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बरी में कुछ कैजुअल्टी की रिपोर्ट है लेकिन गलियात में हमारी जितनी भी सियाह हैं वो महफूज हैं और अपने होटल्स की प्रेमिसेस के अंदर हैं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने होटल इंतजामिया के साथ रब्ता कर लिया है और हम उस वक्त तक अपने टूरिस्ट को अपना मेहमान बना के रखेंगे, उनसे कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं किया जाएगा, उनकी एकोमोडेशन और उनको फूड तक प्रोवाइड की जाएगी जब तक हमारे रोड क्लियर नहीं हो जाते। आज शाम को 4 बजे के बाद जब ये बर्फबारी का सिलसिला रुकेगा, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैवी मशीनरी इस वक्त रोड पर मौजूद है। हम जितनी भी शराह हैं मेन एप्टाबाद मरी रोड है इसको ट्रैफिक के लिए बहाल करेंगे और जिस वक्त हम गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी NOC जारी करेगी, मंजूरी देगी टूरिस्ट को जाने की, उसके बाद ही जो इस टाइम गलियात के मौजूद अंदर जो मौजूद टूरिस्ट हैं उनको जाने की इजाज़त होगी। सूबाई हुकूमत की इस वक्त पूरा इम्फोसाइज है गलियात के अंदर जितने भी टूरिस्ट हैं उनको महफूज रखने के हवाले से उनके अहकाम मौजूद हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हर किस्म का हाई अलर्ट हो। हमारी हॉस्पिटल्स का स्टाफ इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हमारे पास रेस्क्यू 1122 के अहलकार मौजूद हैं, हमारे पास 60 से ज़्यादा GD हेल्पर्स के लोग मौजूद हैं जो शाहराहों पर मौजूद हैं, 6 से ज़्यादा बड़ी मशीनरी हमारे पास मौजूद हैं, ट्रैक्टर्स हमारे साथ काम करें, स्नो ब्लोअर्स हमारे साथ काम करें, लेकिन ये चूंकि एक नेचुरल डिज़ास्टर है जिसकी वजह से इसको ओवरकम करना एकदम से मुमकिन नहीं है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अपने जो गलियात के अंदर हमारे टूरिस्ट हैं उनको हम महफूज रखें। हमने कल से जो मरी से एबटाबाद की एंट्री पॉइंट्स हैं उनको हमने बंद किया, हमने एबटाबाद से बगनोतर के मकाम पर जो नथेगली का रास्ता है उसको हमने बंद कर दिया है। कल से गलियात के अंदर जो टूरिस्ट की एंट्री थी वो हमने बैन कर दी थी। इतवार तक जब तक ये शाहराहें क्लियर नहीं हो जाती हम पाकिस्तान के जितने भी टूरिस्ट हैं जो भी गलियात का सफ़र करना चाहते हैं उनसे इल्तमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने प्लान को आप कैंसिल करें, जब तक गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती, आपको इजाज़त नहीं देती तब तक आप गलियात का सफ़र ना करें।